हेलो प्रेम, कैसे हो आप? सफाई हो, अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले सरस्वती पूजा समिति पोस्टर। आप कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पे जो देखने को मिल रहा है, आपको काफ़ी बेहतरीन डिजाइनिंग में लेकर आ चुका हूँ। आपको इसका PLP फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि PLP फाइल जो डाउनलोड करेंगे उसको अनजिप करने में पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड वीडियो में आपको 4 स्टेप में देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो जरूर देख लेना। और आपको अगर इस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते हैं, इस सॉफ्टवेयर यानी ऐप का एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल ऐप एप्लीकेशन, ठीक है? तो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना। उसके बाद उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर न्यू टेस्ट देगा, न्यू टेस्ट को आपको डिलीट कर देना है। और जो आपको PLP फाइल हमने डाउनलोड किया है पूरा वीडियो देखने के बाद पासवर्ड जाके अनजिप की हो, तो उस पर जाने के लिए आपको क्या करना है, उसको PLP फाइल ऐड करना है अपने पिक्सल एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर पिक्सल एप्लीकेशन में ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 आइकन पे क्लिक करना होगा। 3 आइकन पे क्लिक करेंगे और जो बंदा, तो मैं बता दूँ एक बार आपसे पुराना रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि हर त्यौहार का आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन एंड PLP फाइल का ऑप्शन दे देगा। जब 3 आइकन पे क्लिक करेंगे तो नीचे से तीसरे स्थान पे यहाँ पर ओपन PLP फाइल का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेरा पहले से यहाँ पर ऐड है, तो हम इसको डिलीट करते हैं। और जो आपने डाउनलोड किया है, डाउनलोड करके बाद अनजिप किया, उस फाइल को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर .plp का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक तीर का आयरो दिखेगा, इस पर क्लिक करना, उसका फाइल मैनेजर आपका खुल जाएगा। अब जहाँ भी आपने अनजिप करके रखा है, उस फाइल का नाम है सरस्वती पूजा समिति पोस्टर 3 करके उसका नाम था। तो हम उस वाले फाइल पे चले जाएंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नीचे हम आते इंस्टॉल करके, तो यहाँ पर सरस्वती पूजा समिति 3 करके उसका नाम था, तो उसी को हम खोज लेते हैं। तो यहाँ पर सरस्वती पूजा समिति 2 करके है, यहाँ पर 3 वाले को हम खोज लेते हैं कहाँ पर हमारा सरस्वती पूजा 3 करके है। तो यहाँ पर देखने को मिले सरस्वती पूजा समिति 3 पोस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पर हम एक बार टाइप करेंगे, अंदर एक PLP फाइल आपको देखने को मिला शो करेगा, तो इस पर हम टाइप कर देंगे। उसके बाद एक नोटिफिकेशन मांगेगा, यहाँ पर ओपन एंड ऐड का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक बार और नोटिफिकेशन मांगेगा, ओके करके एक बार बैक बटन दबा देना है। अब यहाँ पर आपका PLP फाइल कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। अब अंदर क्या क्या हम आपको बताने वाले हैं तो आप पूरा देख लीजिए, इसमें आपको क्या चेंज करना है क्या नहीं चेंज करना वही हम आपको बताएंगे। तो उसको आपको हर चीज़ चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डुओ पे क्लिक करना है, ठीक है? डुओ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर से देख लेना, जो फाइल आपको अनलॉक या अनलॉक ना हो तो उसको रहने देना है। बाकी आपको जो चीज़ आप चेंज करना चाहते हो उसी चीज़ को लॉक कर यानी अनलॉक करना है, या कि बाकी और सबको छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है युवा समिति पोस्टर, ठीक है? तो ये आपको क्या है कि ये आकृति देव फंड है, तो इस फंड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, या तो आप जाएंगे टेलीग्राम पे, हम वहाँ पर दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर इसको यूज़ करना नहीं जानते हो तो आप लोग जरूर यूट्यूब पे जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक देख लेना, वीडियो देख लेना कि आपको यूनिकोड कैसे निकाला जाता है इस फंड का। बाकी आपको नॉर्मल फंड भी यहाँ पर से दे सकते हो, यानी इस पर टैप करके इसको डिलीट करके हिंदी में टैप कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम पर काफ़ी ज़्यादा फंड बोल्ड फंड डाल दिया, बोल्ड फंड भी डाल दोगे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपको चेंज कर सकते हो। ऊपर आपको सन दिखा हुआ है, सन 2022, यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हो, नॉर्मल है। उसके बाद जय माता दी लिखा हुआ, इसको चेंज कर सकते हो, या तो आप सरस्वती जी का पोस्टर यानी कहीं और रखना चाहते हो तो वहाँ से हटा के आप रख सकते हो। बात आप नीचे की तरफ से, ये भी आपको हिंदी फंड है, ठीक है? यही फंड बात ही बताया था कि इस फंड को भी आप यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि युवा सरस्वती पूजा समिति, इस फंड का उपयोग यहाँ पर कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन देखने को लग सकता है। उसके बाद आप जाते हैं, यहाँ पर आपका पोस्ट जो होगा ये सब हिंदी में, कोई यूनिक कोड नहीं है। तो यहाँ पर लिखा ग्राम मध्य पोस्ट बीटी और जनपद गोरखपुर, तो यहाँ पर से यूज करके जो भी आपका पता होगा वहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद ओके कर देना, आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी हिंदी में ही दिया गया है, काफ़ी बढ़िया फंड है ये, बोल्ड फंड है, ठीक है? हर साल की भांति इस साल भी आप सभी भक्तजनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए, ठीक है? इसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको फोटो चेंज करना है कोई भी, या तो नाम चेंज करना, वो भी हम बता देते हैं। फोटो चेंज करने के साथ साथ फोटो कैसे ऐड करें दूसरा फोटो लगाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ से हम कोई एक फोटो डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पर से हम डिलीट कर दिए। अब यहाँ पर अपना फोटो खुद लगाना चाहते हैं तो हम बता देते हैं फोटो कैसे लगाना है। फोटो लगाने के लिए ऊपर एक प्लस का ऑप्शन दिखेगा आप लोगों को, इस पर टैप करना है। उसके बाद आपको नीचे से दूसरा स्थान पर आपका फॉर्म गैलरी का ऑप्शन देगा, इस पर टैप करेंगे। उस पर टाइप करेंगे तो आपको फाइल मैनेजर चला जाएगा, यहाँ पर 3 आइकन पर क्लिक करके अपने फाइल मैनेजर में जाना, जहाँ भी आप लोग डाउनलोड करके फोल्डर बना के या फोटो बन रखे होंगे तो उस पर हम चले जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पिक्सल 8 में रखा, तो यहाँ पर से हम पिक्सल लैब हुआ,
और पिक्सल आर्ट हम देख लेते हैं हमारा कहाँ पर है। तो पिक्सल आर्ट ओपन किए, ठीक है, तो यहाँ पर पिक्सल आर्ट ओपन किए तो यहाँ पर हम देख लेते कोई भी एक फ़ोटो हमने सेलेक्ट करके रख ली है, कोई है कि नहीं है, कोई भी एक फ़ोटो हम सेलेक्ट यहाँ से कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कोई फ़ोटो हो तो कोई भी एक हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, या तो कोई भी नॉर्मल मान लो एक तरह से, या तो हम एक बार बैक करते हैं दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसमें नहीं है तो हम डाउनलोड में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड में जाएंगे तो कोई भी एक फ़ोटो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फटाफट हम देख लेते हैं हमारा फ़ोटो कहाँ पर है, तो कोई भी एक फ़ोटो हमने यहाँ पर से सेलेक्ट करके आपको हम दिखाते हैं कैसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने फ़ोटो खोज लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा एल्बम फ़ोटो हो गया, यानी कुछ ज़्यादा PNG हमारे पास हो गया है तो सब डिलीट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से नॉर्मल एक ही इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसको क्या करना है, यहाँ से इंक्रीज करके यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर इस तरह से घुमा लेना उसका, इस तरह से करके आपको यहाँ से कुछ इस तरह से कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ से ओके करके अब इस फोटो को क्या करना होगा, आपको यहाँ पर किनारे क्लिक करके कुछ इस तरह से कर लेना है। इस तरह से कर लेने के बाद आपको फ़ोटो को कुछ इस तरह से इस पर छुआ गया है, इसके बाद आपको कुछ इस तरह से करना है और इसको लेकर यहाँ पर छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको एक देना है, आपको क्या करना है, आपको एक इसमें आपको एक उत्ती देना है, क्या नाम है, यहाँ पर जो होता है ना बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बीच वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन ऊपर देखने को मिल जाएगा आपका एक, यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्ट्रोक ऑन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेड स्ट्रोक हम दे देते हैं और यहाँ पर स्ट्रोक का हम वैल्यू बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर ओके कर देंगे, अब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बॉर्डर पे, यहाँ पर आपको जो स्ट्रोक लग गया, देखिए काफ़ी ज़्यादा वाइट रेड कलर का आपका यहाँ पर बैकग्राउंड में आपका स्ट्रोक लग चुका है। उसके बाद आप इस तरह से कर सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर नाम चेंज करेंगे, नाम है अगर हिंदी फंट है कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको डायरेक्ट नाम चेंज कर सकते हो, नाम चेंज करने के साथ अपना जो भी नाम होगा आप लगा लेना। तो इसी तरह आपको हर चीज़ कर लेना है। उसके बाद आपको इसको आपको अपने हिसाब से पिन आपको ऐड कैसे करना है, अपने अपने गैलरी में कैसे सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे में अभी तीन ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने PLV फाइल मैंने ऐड कर लिया, इसीलिए आपको हमारा सेव टू चेंज का ऑप्शन दे रहा है, कुछ छेड़े होंगे तो चेंज करने के लिए देता है, यानी सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, लेकिन बाकी आप में क्या ही दिखेगा, आपको सिर्फ ये दो फाइल दिखेगी, ठीक है, सेव टू प्रोजेक्ट और सेव एन इमेज का। तो सेव प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हो प्रोजेक्ट सेव कर लेना, बाकी आपको इमेज सेव करना चाहते हो नीचे वाले पर क्लिक करना और इमेज को सेव कर लेना। इस पर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, GPG फाइल पे क्लिक करेंगे PNG फाइल GPG फाइल देगा, तो आपको PNG नहीं GPG ही रहने देना है। दूसरा आपको क्वालिटी पूछेगा, क्वालिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, तो क्वालिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे से आप आएंगे तो यहाँ पर अल्ट्रा का ऑप्शन देगा, अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव टू गैलरी पे सेव कर लेना। अगर आपको हमारे PLV फाइल PNG फाइल आपको अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना और आने वाला लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।